हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैट्रिमोनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों मैं मौजूद हूँ सिनेपोलिस। अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार सिकंदर भाई पूरे दिन इधर ही रहोगे क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत प्यारे शख्स जुड़ चुके हैं, भोला। जी हाँ दोस्तों, आग का गोला जो कि ट्रेलर रिलीज हो गई है, तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों हमारे ऑटो वाले अंकल उर्फ अशोक सर। तो अशोक सर उधर क्या देख रहे हो, भोला इधर है। तो फाइनली जाके भोला का ट्रेलर देखा आपने, कैसी लगी आपको भोला का ट्रेलर? भोला का ट्रेलर जो है जो सोचा था उससे कुछ हटके है और एक नंबर ट्रेलर, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जो कि स्टार्ट होते ही जो है तब्बू जो है मतलब जीप में अजय देवगन को लेके आती है और एक जगह पे रुका देती है। रुकाने के बाद जो है तुरंत उसकी उनकी हथकड़ी खोल देती है और हथकड़ी खोलते ही कुछ है हरकत में आते हैं अजय देवगन। तो एक डायलॉग बोलती है तब्बू कि बोलती है कि कोई भी गैंगस्टर हो जब उसकी हथकड़ी खुल जाती है ना तो उसकी रंगदारी चालू हो जाती है। ये डायलॉग बराबर। और आपको मैं बता दूं एक डायलॉग और है, क्योंकि क्या मालूम है जब दिमाग में रहता है ना तो उसी टाइम बोल देना चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ। अजय देवगन बोलते हैं कि जो भी हो मतलब ताकत और गोली और बारूद से कुछ भी जो है मतलब नहीं जीती जा सकती। एक हौसला जब आपके अंदर बुलंद है एक मतलब पूरी हौसले से जीती जा सकती है, ऐसे मतलब डायलॉग है। और संजय मिश्रा का तो डायलॉग है ही कि भाई पुलिस स्टेशन में कोई नहीं है, कहाँ पे हो, पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन जो है चंबल बन चुका है, जल्दी आओ। तो आप लोग को मालूम है किस तरह का वो कॉमेडी करते हैं, चंबल बन चुका है। तो ये बातें हैं कि किसके बारे में ये सब बातें हो रही है, अजय देवगन के बारे में। तो अजय देवगन जो है इसमें भोला क्या किए हैं, भोला के बारे में और क्या है स्टोरी, ये जो है केथी का है रिमिक लेकिन सबसे अलग ये बनाया गया और डायरेक्शन जबरदस्त है। 3D में मूवी बनाई गई है और 3D में काबिले तारीफ, देखने में भी मज़ा आएगा और पब्लिक भी। ये दृश्यम के बाद उन्हें जो ये जो है एक हिट मूवी अजय देवगन देने जा रहे हैं। मतलब बॉक्स ऑफिस में क्या लगता है आपको चलेगी ये मूवी, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है रिमेक तो है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अजय देवगन ने थोड़ा सा चेंजेस भी किया। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, गाने डाल दिए हैं, हीरोइन डाल दिए हैं, आइटम सॉन्ग डाल दिया उन्होंने। हाँ हाँ, तो वही तो यही तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि चेंजिंग जो की है वो बहुत बहुत अलग है और यही चेंजिंग का जो है हमें फ़ायदा मिलेगा। और 3D जो है और पब्लिक को जो भी इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ कुछ मूवी मैं अलग तरह का देख रहा हूँ क्योंकि पब्लिक को कुछ अलग देखने को चाहिए। बराबर। तो इसलिए इसके अंदर जो है उन्हें अलग देखने को मिलेगा और इस होली पे जो है उन्हें अच्छा खासा ये मतलब 30 तारीख को आने वाली देखने मिलेगा। और आज है होली के दिन जो है, आज होली दहन है, तो मैं यही चाहूँगा आप लोग को होली की शुभकामनाएँ, अच्छे से होली मनाइए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपना आँख और पूरे जो है बचा के आप होली खेलिए। होली खेलने माना नहीं है लेकिन आपका आप अगर सही रहेंगे तो आगे भी चलेगा। तो ये ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, इज बेस्ट। चलिए एंड में अगर इस ट्रेलर को रेटिंग देना हो तो आप 5 में से कितना स्टार? देखो पहली बात क्या है मालूम है, अगर कोई चीज़ अच्छा लगता है तो उसे है ना पूरा बोल देना चाहिए। तो इसलिए मैं पूरा ये बोल देता हूँ, चाहे मूवी देखूँ चाहे ट्रेलर देखूँ, अब मुझे जैसा लग रहा है कि मूवी को भी उतना ही स्टार मिलना चाहिए, 5 स्टार। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। तो देख सकते हैं दोस्तों ऑटो वाले अंकल को काफ़ी पसंद आई है भोला ट्रेलर। आपको कैसी लगी भोला ट्रेलर आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करो और दोनों का घंटा भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। देखिए क्या है ना कि हम लोग जब बोलते हैं ना भाई दबा उबा देना, तो यही है कि भाई नहीं कुछ हो तो भाई मंदिर का घंटी समझ। अरे घंटा दबा देना मतलब उसका वल्गर मतलब मत निकालो, ये अच्छे के लिए बोला मैं। वो होता है बेल आइकन का प्रेस जो सब्सक्राइबर के बाजू में रहता है घंटा जैसा, वो दबा देना दोस्तों। जोक सपाट और लाइक और शेयर भी। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र एंड होली, हैप्पी होली एडवांस।